नमस्कार बंधुरा, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो क्लिक करार्जन धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अपनारा प्रत्येके जानें आर एक मास पर ही हमारे राज्य विधानसभा भोट एवं से ही निर्वाचन आगे प्रति राजनैतिक दल इतिमदे तादेर निर्वाचनी प्रक्रिया शुरू कर फेले। से क्षेत्र में गत 26 फेब्रुआरी हमारे राज्य निर्वाचन कमिशनर तरफ थे जानी देवा हुआ है 8 दफाय भोट है एवं एक मास धरे से भोट चलबे। राज्य विधानसभा निर्वाचन दिनक्षण घोषणा हार पर राज्य आसते चले केंद्रीय बाहिनी। से क्षेत्र में पश्चिमबंगे विधानसभा निर्वाचने बीजेपी 294 आसनर मध्य कौन तारका के अर्थात टॉलीवुडे जिसमें बीजेपी ते योगदान कर मध्य कौन विधानसभा केंद्रे कौन तारका प्रार्थी होते पारें ता आज के भिडियोते अपने विस्तारित जानिए देव। तई भिडियो अपना अवश्य प्रथम के शेष पर्त देखें। तब भिडियो शुरू करार आगे चैने नतून चैनल अवश्य सबसक्राइब कर और पशे थका बेल आइकन क्लिक करूँ जैसे परवर्ती समस्त रकम सरकारी कर्म खबर सरकारी प्रकल्प खबर सवार आगे पे चान। तो चलो फ्रेंड्स, विस्तारित सबकिू देखे नवा जा। तो फ्रेंड्स देखु, श्रावंती हिरण देख बीजेपी सम्भव्य तारका प्रार्थी तलिका। एबारे विधानसभा निर्वाचने चमक दीते चले बीजेपी। पायल सरकार श्रावंती चट्टोपाध्याय बीजेपी ते जोग देवार पर जोर जल्पना शुरू है। 2021 विधानसभा निर्वाचने तारका प्रार्थी दिए चमक दीते पारे पद्मशिविर। से ही अनुजाई एबार बेहाला पश्चिमे सम्भव्य प्रार्थी होते पारें श्रावंती चट्टोपाध्याय। टालीगंजे दाड़ाते पारें अंजना बसु, कसबाय लड़ाई करते पारें रिमझिम मित्र एवं सोनारपुर दक्षिणे हिरण चट्टोपाध्याय प्रार्थी होते पारें बोले खबर। पाशापाशी बालीगंज एवं उत्तर कलकाताते आरो कयेकटी आसने एबार पद्मशिविरे तारका प्रार्थी दाड़ते पारे बोले खबर। एदिके बीजेपी थेके एबार कौन प्रार्थी होते पारें तारकारा से विषय सम्प्रति बैठके बसे पद्मशिविर। यह बैठके बीजेपी तारका प्रार्थी कोथाय कोथाय दाड़ करानो होते पारे से विषय मत पार्थक्य शुरू है दुई शिविर। बीजेपी एक अंशे दाबी निश्चित आसनगुलोई तारकादेर दाड़ करानो उचित नय, सेगुलो प्रतिष्ठित राजनीतिकदेर ही टिकिट देवा उचित। जेसब आसने किछुटा लड़ाई आछे सेखाने तारकादेर क्यारिश्माके काजे लागानो होक। राजनीति करार इच्छा थाकले तारकारा लड़ाई करे जिते आसुन बोले मत प्रकाश करा हय पद्मशिविरेर एई अंशेर तरफे। অন্যদিকে বিজেপি অন্য অংশ দাবি লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার জন্য বিজেপির ফল যেহেতু অপেক্ষাকৃত খারাপ তাই ওই সব আসনে তারকা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই আজকে আমাদের রাজ্যে বিজেপির দুটি দফার ভোটের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে সেই নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই বৈঠকও শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনাদের বিস্তারিত জানিয়ে দেবো যখনই কোনো আপডেট উঠে আসবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরকম নিত্যনৈতিক আপডেট পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস।